के विद्यार्थी मैं सौरभ क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ी द्वारा डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं आज मैं विषय संस्कृत प्रथमा पाठ शिव संकल्प मस्तु पाठ समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। प्रथमा पाठा शिव संकल्प मस्तु वेद मंत्र, ये वेद मंत्रों से लिया गया है। ओम यत् जाग्रतो दूर मुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब इसका अर्थ समझिए। जागते हुए पुरुष का मन, जागते हुए पुरुष का मन बहुत दूर चला जाता है, अर्थात यह मानव मन कल्पना की उड़ान भरता है। यही प्रकाश स्वरूप मन सोते हुए पुरुष के नजदीक आ जाता है, अर्थात पास में आ जाता है और लीन हो जाता है। हमारा मन इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है, ऐसा इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मेरा मन कल्याणकारी हो। ये पहले पदांश का अर्थ है। अब दूसरे पदांश का अर्थ समझिए। ओम येन कर्माण्यपार्श्वो मनीषिणो यज्ञे कणवन्ति विथेषु धीरा यदि पूर्व यक्ष मन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब इसका अर्थ समझिए। ओम येन कर्माण्यपार्श्वो मनीषिणो यज्ञ कर्म के अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि मेधावी पुरुष शुभ कर्मों को करते हैं, अर्थात मनुष्य अनुष्ठान करते हैं। उसी मन से पदार्थों के ज्ञान में पूज्य भाव में स्थित रहते हैं, अर्थात पूजनीय कार्य करते हैं। इसी प्रकार मेरा मन भी कल्याणकारी बना रहे। तीसरा पदांश, ओम यत् प्रज्ञान मुच्चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिर्मृतं प्रजासु यस्मान्यते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और धैर्य स्वरूप है। हमारा मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और धैर्य स्वरूप है। जो अविनाशी है, मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्वान है, जिसकी सहायता के बिना कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी बना रहे। अगले पदांश की व्याख्या, ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य परिग्रहितम मृतेन सर्वम येन यज्ञाता इति शक्त भूता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसका अर्थ समझिए। जिस छोटे से मन के द्वारा, जिस सूक्ष्म मन के द्वारा हर प्राणी अर्थात मानव भूतकाल वर्तमान और भविष्य की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी मन के द्वारा मानव सात आहुतियों वाला यज्ञ संपन्न करता है, उसी प्रकार मेरा मन भी कल्याणकारी बना रहे। आखिरी पदांश, ओम यस्मि ऋचा साम्यंजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः यस्मिन् चतम
सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु। इसका अर्थ समझिए, जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं, मानव मन में ऋग्वेद की ऋचाएं हो और सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र हो, अर्थात उन मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित हो, उसी प्रकार जिस तरह रथ के चक्र की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं, अर्थात तीलियां जुड़ी रहती हैं, जिस मन में प्रजा का सारा ज्ञान होता है, उसी प्रकार मेरा मन भी कल्याणकारी बना रहे। अब मैंने पदांशों की व्याख्या अर्थ आपको बतला दिए हैं, अब इसके प्रश्न उत्तर और समझ लीजिए। एक पदेन उत्तरम लिखा, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर समझिए। मनः जाग्रता कुत्र उदयति, जागते हुए मनुष्य का मन कहाँ चला जाता है? तो एक शब्द में उत्तर देना है, कुत्र के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा दूरम। दूसरा प्रश्न, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजा के अंतःकरण में क्या स्थित है? तो किम के स्थान पर आपको लिखना है अपूर्व ज्ञानम। प्रश्न तीसरा, मनसा हरते किंचिम किम न क्रियते, मन के बिना थोड़ा भी क्या नहीं किया जाता? इसका उत्तर आएगा किम, किम के स्थान पर आपको लिखना है कर्मम यानी कार्य। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य उत्तरम लिखा, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला, मे मनः किम अस्तु, मेरा मन कैसा होना चाहिए? किम, किम के स्थान पर आएगा उत्तर देखिए, मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी होना चाहिए। प्रश्न दूसरा, मनसः सत्य होता कहा तायते, मन के द्वारा सात आहूतियों वाला क्या संपादित किया जाता है? सात आहूतियों वाला क्या किया जाता है? उत्तर देखिए, मनसा सत्य होता यज्ञः तायते। प्रश्न तीसरा, मनसि प्रजानाम सर्वं किम ओतम, प्रजा के मन में सब कुछ क्या भरा है? इसका उत्तर देखिए, मनसि प्रजानाम सर्वं चित्तं ओतम। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए।